Welcome students, welcome to Adaptive Learning. So today we'll start with your phylum Chordata from Kingdom Animalia. Today, before starting with that, let me ask you one question, whether you are ready with your basics or not. This pet dog is basically from phylum Chordata only, so it has the right to ask you whether you are ready with your basics or not, because if you are not ready, the language आपको नहीं समझ में आएगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल से आई एम ट्रिप्लोब्लास्टिक, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो दैट्स वाई इफ यू आर रेडी ही विल टॉक, अदरवाइज नो. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम दैट माय स्टूडेंट्स आर रेडी विद देयर बेसिक्स, सो ही इज रेडी टू टॉक एंड ही इज रेडी टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हिज बडीज फ्रॉम द सेम फाइलम. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Chordata, Chordata फाइलम है. अब इस Chordata फाइलम को लिखने को या किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए. उसको लिखोगे कैसे, उसको क्लासिफाई कैसे करोगे, उसको कैटेगराइज कैसे करोगे, के लिए ये सीक्वेंस है. किंगडम, किंगडम आज का क्या है, एनिमिलिया. हम लोग यही पढ़ने वाले हैं. एनिमल क्लासिफिकेशन जो किया है उसमें एक ही किंगडम है, दैट इज एनिमिलिया. फिर फाइलम, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड स्पीशीज. डोंट वरी, मैं रुक रही हूँ. हम वी वुडंट गो इन दैट डीप. हम लोग क्लास में ही, क्लास पर ही स्टॉप लेंगे और यहीं पे यू आर गोइंग टू स्टडी एग्जाम्पल उसके लिए. बट विद दैट यू नीड टू नो, यू नीड टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच फाइलम एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ईच फाइलम. This is the sequence. If questions come, if question comes that classify this animal, this is the sequence. You should write first kingdom, phylum, subphylum, class. Don't worry, we'll do this coming slide. Don't forget this table. आज क्या सीख रहे हैं, phylum Chordata. अब phylum Chordata को समझने के लिए ये table में थोड़ा reverse जाना है. Chordata हम सीखने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, सिलोमेट्स हैं, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी है. दे आर बायलेटरल सिमेट्री एंड दे शो दिस काइंड ऑफ सेलुलर ऑर्गन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन दे आर फ्रॉम किंगडम एनिमिलिया एंड दे आर मल्टी सेलुलर. तो यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहीं से हो. अब आगे के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि वेरी स्पेसिफिक विथ Chordates नीड टू लर्न. सो लेट्स स्टार्ट. सो Chordates हैव 4 डिस्टिंक्ट फीचर्स, और आपकी टेक्स्ट बुक में एक और दिया है जिसको हमें याद, उसको भी याद करना है. तो पहले ये 4 डिस्टिंक्ट फीचर्स कवर कर लेते हैं. फर्स्ट, तो ऑल Chordates शेयर 4 डिस्टिंक्ट फीचर. फर्स्ट इज नोटोकॉर्ड, सेकेंड नर्व कॉर्ड, पेरेंजियल गिल्सलेट्स एंड टेल. वेरी इंपॉर्टेंट, टेल. So let's understand what is notochord. Stiff but flexible rod that extend along with the length of body. इसका काम क्या है, एक flexible rod है. इसका काम क्या है, सिर्फ अभी इतना याद रखो, इसका काम क्या है, support देना. Body को support हो चाहिए, body support के लिए जरूरी है. Then nerve cord, it is a hollow structure which is present in the at the dorsal. Dorsal अगर मैंने बोला तो for example ये जो कैरेक्टरिस्टिक, ये टिपिकल फीचर, टिपिकल कैरेक्टर स्ट्रक्चर है ऑफ ए Chordate, ये इसका डॉर्सल स्लाइड है, मतलब साइड का, पीछे का साइड, ये साइड मेरा जहाँ पे डॉर्स, इसको डॉर्सल स्लाइड बोलते हैं. अगर मुझे ऐसे रखा गया तो मेरा जो ये मेरी पीठ है वो ऐसे ही आएगी. दिस इज माई डॉर्सल स्लाइड, जो पीठ के जो इधर का पीछे का हिस्सा है उसको बोलते हैं डॉर्सल साइड. तो notochord should be present at dorsal side. And हाँ, nerve cord भी. अब nerve cord को क्या बोलते हैं यहाँ पे, dorsal hollow nerve cord. It is filled with the nervous fiber and which ultimately going to be developed as a nervous system. After that gill slits. Gill slits का role क्या है, they are useful in respiration. And at the end tail region. It is the posterior extension of the body that extends past the anus. It is a rarest portion of the nerve cord. Let's understand these 4 characteristics with this structure.
सी दिस अपर वन, दैट इज नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड मतलब इसमें क्या होंगे, नर्वस फाइबर होंगे जो आगे चल के क्या डेवलप होंगे एज अ नर्वस सिस्टम. उसके बाद यू हैव नोटोकॉर्ड विच विल, इट इज अ फ्लेक्सिबल रॉड विच विल प्रोवाइड दी सपोर्ट टू दी ऑर्गेनिज्म. एंड देन पोस्ट अनाल टेल एंड पेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी इसमें होगा. अब इन एडिशन टू दैट, इन योर नोटबुक इट इज रिटन, इन योर टेक्स्ट बुक इट इज रिटन दैट द हार्ट शुड बी प्रेजेंट एट दी वेंट्रल साइड. तो हार्ट शुड बी प्रेजेंट एट वेंट्रल साइड. तो चार, ये यहाँ से चार कैरेक्टर्स लिए, ट्रूसिलोम बताया, बायलेटरल सिमेट्री बताई, फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो बताया, कौन सा किंगडम है एनिमिलिया मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद चार कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से पता चले, नोटोकॉर्ड मतलब फ्लेक्सिबल रॉड प्रोवाइडिंग सपोर्ट, नर्व कॉर्ड मतलब नर्वस टिश्यू, फेरिंजियल गिल स्लिट्स मतलब रेस्पिरेशन, टेल एक पोस्टीरियर पार्ट पे है. और इन एडिशन टू दैट हम, उसके पास क्या है, हार्ट है जो कि प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में. तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स. तो इन एग्जाम इफ द क्वेश्चन कम, कॉर्डेट्स, डिफाइन कॉर्डेट्स, डिस्क्राइब कॉर्डेट्स, यू कैन राइट 1 2 3 4, दिस फोर कैरेक्टर्स इन एडिशन टू दैट 1 2 3 4 प्लस 5, टोटल 9 कैरेक्टर्स आर देयर इन योर माइंड. तो दिस इज रेडी. नाउ यू यू नीड टू, तो याद भी करना है, इसको याद भी रखना है. तो नोटोकॉर्ड के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू दिस कीवर्ड. So, I hope all like to interact with Vinod sir. So for that, उनके ऊपर ही आज एक हम कीवर्ड मैंने आपको दिया है. एक दिन सर जाते हैं क्लास में एंड ही वॉज आस्किंग इज देर एनी प्रॉब्लम विथ योर सिलेबस, कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग नो प्रॉब्लम विनोद, एन करस्पॉन्ड्स, एन एन स्टैंड्स फॉर नोटोकॉर्ड, एन स्टैंड्स फॉर नर्व कॉर्ड, E stands for pharyngeal gill slits, post anal tail, and yes, V. Sir's name Vinod sir said V stands for ventral side ka kya? Heart. Yeah, the sir is the heart of your class. So yes, so you can say no problem, Vinod sir. So you can remember these four characteristics of chordates also. So N stands for notochord, nerve cord, pharyngeal gill slits, tail, and then ventral side mein kya present hai? Heart. So these are the characteristics of chordates. So ye chordates ko, ye agar aapko define karna exam mein aaya, in addition to this, 1, 2, 3, 4, you have to write, no problem Vinod sir, that means नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, पेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनाल टेल एंड यस हार्ट विच इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड. सो लेट्स स्टार्ट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, पेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनाल टेल. सो नाउ दिस कॉर्ड, फाइलम कॉर्डेटा इज अगेन क्लासिफाइड इन टू सब फाइलम्स. फाइलम के अंदर क्या है, सब फाइलम. थ्री सब फाइलम है कॉर्डेट्स के, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा और कार्नियर. अभी यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दे आर लिटिल, मतलब दे आर लेस एडवांस एज कम्पेयर टू दी वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा बहुत मेजर क्लास है एंड हाईली डाइवर्सिफाइड क्लास है. पहले लेट्स क्विकली फिनिश इट ऑफ दिस यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट अस, दैट मीन्स फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा. तो यूरोकॉर्डेटा क्या है, यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड रहेगी, अगर कॉर्डेट्स है, अगर उसकी क्लास में आ रहा है तो नोटोकॉर्ड शुड बी प्रेजेंट. तो वो नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ओनली एट द टेल रीजन ऑफ द लार्वे. लार्वे में, टेल रीजन में प्रेजेंट रहेगी. दे आर द एक्वेटिक एनिमल्स और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, जो बॉडी है वो कवर्ड है स्किन लाइक ट्यूनिक स्ट्रक्चर, इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं. एंड यस, जो स्किन, जो ये बनी हुई है स्ट्रक्चर, जो कवरिंग है वो सेलुलोज, ऑर्गेनिक मटेरियल है एक सेलुलोज,
उससे बनी हुई है. द लार्वे अंडरगो मेटामॉर्फोस मतलब अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम ग्रोइंग फ्रॉम लार्वे बेबी लार्वा टू एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म. दे आर हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स दे बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम एनिमल एंड द एग्जाम्पल्स आर डोलिलियम एंड हार्डिमेनिया. लिटिल डिफिकल्ट बट येस वी नीड टू डू लिटिल प्रैक्टिस. दो ही एग्जाम्पल याद करने ना पर क्लास के तो इट इज ईजी. नाउ सब फाइलम सिफेलो कॉर्डेटा. सिफेलो मतलब हेड एंड कॉर्डेट जैसे ही मैंने बोला इट मीन्स नोटोकॉर्ड. यहाँ पे दे आर मोर एडवांस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्लास विच वॉज यूरोकॉर्डेटा. इसमें क्या होगा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ एंड दे परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑल्सो. दे आर स्मॉल फिश लाइक फिश नॉट फिश हाँ फिश लाइक एनिमल्स एंड दे यूज गिल स्लिट्स फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन मतलब पानी में रेस्पिरेशन है उनका. दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. एन एग्जाम्पल इज एम्फियोक्सिस. सो दिस इज द स्मॉल स्मॉल सब फाइलम्स ऑफ क्लास और फाइलम कॉर्डेटा की छोटी छोटी एक सब फाइलम हो गई कि हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए. एक में क्या है एक में यूरोकॉर्डेटा एक सब फाइलम में क्या है टेल रीजन में प्रेजेंट है लार्वे स्टेज में ही प्रेजेंट है. एक में क्या है नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द बॉडी लेंथ है और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑल्सो. ठीक है सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट अस. नोटोकॉर्ड हम में भी नोटोकॉर्ड है बट इट इज मॉडिफाइड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम. इन दिस एनिमल द हेड इज वेल डेवलप्ड and head is also protected with the carnium that is brain box. Skull है आपका उसको cover किया है brain को. Endoskeleton may be cartilaginous or bony. Some animals from this class are jawless, agnatha, and whereas some animals are with jaws, मतलब gnathostomata. अगर नहीं है some chordates with jawless, मतलब अगर उनमें jaw नहीं है उनकी क्लास उनको क्या बोलते हैं एग्नाथा. एंड वेयर जॉस आर प्रेजेंट दे आर नोन एज नैथोस्टोमेटा. स्टोमेटा मतलब ही होता है ओपनिंग. नाउ वर्टिब्रेटा में मैंने क्या बोला वर्टिब्रेटा में डिफरेंट क्लास भी अभी आएंगी. बहुत सही जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा उसमें डिफरेंट क्लास आएंगी और हर किसी के पास मैंने क्या बोला चार क्योंकि ये जो सब फाइलम है दैट इज वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेट और इसकी सबसे बड़ी क्लास क्या है कॉर्डेटा. तो उनके पास चार कैरेक्टरिस्टिक्स तो होने ही चाहिए दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड एंड टेल. इन आर केस इन वर्टिब्रेटा ऑल्सो टेल इज प्रेजेंट बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन इन ईच क्लास ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल फिश एक्वेटिक एनिमल उनमें वो फिश कैसे यूज करती है अपनी टेल को टू स्विच थ्रू द वॉटर. आपका पिकॉक ब्यूटीफाई ब्यूटी अपनी टू शो ऑफ हिज ब्यूटी पिकॉक यूज हिज टेल. इन केस ऑफ डॉग्स वो डॉग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेल ओनली यू लेट योर पेट लेट अस नो दैट वेदर दे आर हैप्पी सुपर हैप्पी और सैड. इन आर केस ऑल्सो एंड सरप्राइजिंगली वी ऑल्सो हैव टेल हमारे में भी टेल है बट येस इट इज नॉट यूजफुल और useful for us we don't need it so that's why it get insignificant hai hame to wo reduce wo shrink ho chuki hai but humme bhi tail hai so that also indicate yeah that gives an evidence of evolution kaise hua hoga. And then we will be surprised that we also have gill slits but yes wo hamare embryonic stage mein thi jab hum born hue tab wo gill slits modify ho chuki thi बट हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो थी. तो दैट्स व्हाई व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट कॉर्डेट्स आई हैव टोल्ड यू टू राइट एन एडिशनल लाइन दैट नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड टेल शुड बी प्रेजेंट इन एनी डेवलपमेंट स्टेज. तो हमारे में भी गिल स्लिट्स थी बट वो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी. एंड देन लेट्स कम टू द इफ यू वॉन्ट टू राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेटा तो उनके These are the, we will summarize their characters with this
पिक्चर दिस स्लाइड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट है. दे शो ट्रू सिलोमेट मतलब ट्रू बॉडी कैविटी. टेल है या ऑफ कोर्स टेल है. पेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं यस. एंड देन सबसे एट इन एडिशन टू दैट दिस इज द स्टार पॉइंट. द नोटो कॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम एंड यस सबफाइलम वर्टिब्रेटा शोज बायलेटरल सिमेट्री. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेटा. तो एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है इट इज डाइवर्सिफाइड. इट एक्चुअली कवर्स मेक्स 5% ऑफ द एनिमल स्पीशीज ऑन द अर्थ. नेचर के 5% जो एनिमल्स हैं वो वर्टिब्रेटा सब फाइलम के होते हैं. दिस क्लास इज एक्चुअली दिस सब फाइलम इज एक्चुअली डाइवर्सिफाइड. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप देम इन वन सब फाइलम. सो दैट्स वाई दे आर अगेन डिवाइडेड इन टू मेनी क्लासेस. सो दीज आर द क्लासेस साइक्लोसोमेटा एम्फीबियंस रेप्टाइल एप्स ममेलियंस पीसेस और फिश.